नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। पिछले कुछ दिनों से रीवा की राजनीति में एक अलग सी गर्माहट है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस और भाजपा के नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा जी हैं। कुछ आरोप इनके ऊपर लगे हैं, कुछ आरोप इन्होंने लगाए हैं बीजेपी के नेताओं के ऊपर। तो दोनों पर बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले तो जब से नोटिस मिली है पूर्व मंत्री राजन शुक्ला को, आप उनके खिलाफ चुनाव भी लड़े थे और उसके बाद से पूरी कांग्रेस जागृत हो गई, उनको नोटिस मिली और आप लोग लगातार उसको और ज़्यादा मुद्दा बना रहे हैं, तो इस विषय पर आप क्या चाहते हैं? आपने कार्यवाही की बात, जो हमने चुनाव आयोग में याचिका लगा रखी है उसमें जो मैंने आरोप लगाए हैं वो आरोप उस नोटिस से प्रमाणित होते हैं, बस मेरा इतना ही कहना, वो मुझे चुनाव आयोग में काम है। आप क्या चाहते हैं कि कार्यवाही किस तरह से अब हो? और कुछ नहीं चाहता मैं तकनीकी बिंदु पे बात कर रहा हूँ, और बाकी तो जो आरोप वरोप लगाने थे चुनाव समय मैंने लगा रखे और जनता ने उन्हें जिता दिया तो मैं चुनाव लूज कर गया, तो मैं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। जनता की अदालत में तो मैं हार चुका हूँ उस समय, लेकिन धीरे धीरे जो अब सरकार बदलने के बाद जब परतें खुल रही हैं, अब धीरे धीरे एक एक बात सामने आ रही है, तो मुझे उम्मीद है कि जनता को अब लगता होगा कि अभय मिश्रा जो कह रहे थे गलत कह नहीं रहे। आपका मानना है कि जनता के द्वारा हम चुनाव हार गए लेकिन तकनीकी रूप से मैं सही था, जो मैंने उस समय आरोप लगाए वो अब सभी सही साबित होते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल। दूसरा सवाल ये कि आपकी जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं विभा पटेल, भारतीय जनता पार्टी से उनका ताल्लुक है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने एक विधायक के साथ और बड़े गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए, जाति सूचक शब्दों का उपयोग या आपके तमाम जो फार्म हाउस है वहाँ किस तरह से काम हुआ है, विधायक निधि का उपयोग किया गया है, आपके कॉम्प्लेक्स हैं वो नगर निगम के जितने नियम कायदे हैं उनको दरकिनार किया गया है, तो क्या जवाब देंगे आप? चुनौती देता हूँ कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो जिससे जो बिगाड़ते बने बिगाड़ ले। मैंने ये चुनौती भाजपा सरकार में तत्कालीन सीएम शिवराज जी थे तब भी दी थी और मेरी पूरी जांच ए से जेड तक पंचायती राज आंदोलन के समय करा ली गई थी और बाल बांका नहीं कर पाए थे, और उनके आरोपों का कोई मतलब नहीं है। वो तो 26 सितंबर से अब जो हमारा शपथ का कार्यकाल है, हमारा कार्यकाल अब 6 महीना मात्र बचा है, 6 महीने के अंदर अविश्वास नहीं लाया जा सकता किसी के, ऐसा एक्ट कहता है जब 6 महीना का कार्यकाल बचे। उनके विरुद्ध जो ये जो कपड़ा खरीदी घोटाला 6.5 करोड़ में शिवशक्ति ट्रैक्टर एजेंसी के नाम पारित हुआ था FIR करने का, EOW जांच कराने का, वो पिछले महीने पारित हो गया, उसके पहले भी पारित हुआ और पिछले महीने ही कार्रवाई विवरण जारी हुआ था, और उनके मुंह से चूँ क्या की आवाज़ नहीं निकली, सब लोगों ने बहुमत से पारित किया कि कौन है चोर आदमी जिसने बच्चों का कपड़ा बेच लिया 6.5 करोड़ का, पिछले सत्र में गणवेश वितरण नहीं हुआ, बच्चों के स्कूल तक नहीं पहुँचे, 6.5 करोड़, चूँ की आवाज़ नहीं निकली, जो होना था कार्रवाई हो चुकी थी। अब जब पिछला जो बैठक थी हमारी कितने तारीख को थी, 30 को जो अभी बैठक थी, उसमें कोई नई कार्रवाई थोड़ी की गई, केवल पालन प्रतिवेदन पर यह देखा जा रहा था कि किसके किसके पत्र जारी हो गए, तो जो पत्र जारी हो चुके हैं और जो एक बार संकल्प पारित हो गया उसमें 6 महीने तक कोई भी पुनर्विचार का अधिकार ही हमको नहीं, हम चाहे भी तो नहीं कर सकते, तो इस बैठक में हाय तोबा करने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन इस बैठक पे आप जानते हो हमारे कौन हैं, आप जानते हैं हमारे कौन हैं, हमने पूछा कौन है, कहते हो हमारे पति हैं, तो हमने कहा कि मैं जिले की जनता का ठेका ले रखा हूँ, जिले की जनता के प्रति मेरा उत्तरदायित्व है, बच्चों के प्रति न्याय के प्रति उत्तरदायित्व, उनको गणवेश मिले, आपके पति चोरी करें तो उनको बचाना मेरा काम थोड़ी है। और वो मुँह इसलिए इतना चल गया क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल अंदर आ गया, और नहीं तो मुँह नहीं चलता। और शर्म की बात है कि 21 में से 17 सदस्य हाथ उठा के निंदा प्रस्ताव पारित करें, मेरे साथ तो ऐसा होता तो मैं उसी वक्त इस्तीफा देके जिला पंचायत छोड़ देता। खैर इतना ही है, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा उस समय भाग दौड़ की विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन उसके बाद से पार्टी कार्यकर्ता के रूप में और पार्टी नेता के रूप में आप कहीं भी
उस हिसाब से नज़र नहीं आया जिस हिसाब से आप पूर्व विधायक रहे हैं, जिस हिसाब का आपका ओहदा है होना चाहिए। मैं लाइजनर नहीं हूँ, मैं दलाली का काम नहीं करता, मैं लाइजनिंग नहीं करता। मैं अपने पद चुनाव जीतता हूँ, अपने पद का जो सही जनता के हित में उपयोग है उसका करता हूँ। मैं चुनाव लड़ा, मैं चुनाव हार गया। अब मैं इसके बाद इस मंत्री के उस मंत्री के आगे पीछे दौड़ूँ और ये सब ये लाइजनी काम, तो मुझे लाइजनर, मैं लाइजनर नहीं हूँ। मैं चुनाव हार गया, अब जब अगला चुनाव आएगा मैं जीतूँगा और जनता ने यदि मुझे मौका दिया तो मैं अपने आप को प्रूव करूँगा। और खाली पीली में हाथ तोबा ये सब मेरे कल्चर में नहीं। कांग्रेस के साथ हैं आप जैसे? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ, कमलनाथ जी के साथ हूँ। और ये जितने भ्रष्टाचार इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उससे मैं खुश हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार में इनका 15 साल का पाप पूरा बाहर आ जाए। एक पंचायती राज व्यवस्था जिसके लिए आपने हमेशा से लड़ाई लड़ी है पिछली सरकार में भी, तो आपको लगता नहीं है कि इसमें थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है सरकार की तरफ से? और आप भी कहीं ना कहीं अफवाहें भी उठती हैं कि आप थोड़ा सा नाखुश हैं सरकार से इस मामले को? बिल्कुल, मैं इस मामले में सरकार से नाखुश हूँ। सरकार ने वायदा खिलाफी की। 32वां वचन पत्र में सरकार ने स्पष्ट कहा था कि हम पंचायतों को जस का तस लागू कर देंगे। आज साल भर बीतने को है, हमारा कार्यकाल खत्म होने को है। पंचों को 500 रुपये प्रति बैठक प्रति माह के हिसाब से एकमुश्त 24,000 देंगे। न पंचों के साथ न्याय हुआ, न सरपंचों के साथ न्याय हुआ, न जनपद सदस्य के साथ हुआ, न कुछ हुआ। यहाँ हम छले हुए महसूस कर रहे हैं। हम बिल्कुल इस मामले में ये मानते हैं कि सरकार ने छल किया है। पंचायती राज के छोटे छोटे जनप्रतिनिधियों की पूरी भावना भाजपा सरकार को पलटने में थी और ये इस उम्मीद के साथ थी कि महात्मा गांधी के विचारों से जुड़ी राजीव गांधी की पार्टी कांग्रेस के आने पर हमारा हक लौटेगा। ऐसा नहीं हुआ, तो इस मामले में हम बहुत दुखी हैं और छले हुए महसूस करते हैं। क्या वो अभय मिश्रा जो शिवराज सिंह चौहान के ज़माने में बीजेपी में रहते हुए वल्लभ भवन में बैठे हुए थे पंचायती राज को लेकर, क्या इस बार भी वल्लभ भवन में बैठेंगे कमलनाथ सरकार के खिलाफ? इसलिए नहीं बैठ रहा हूँ कि लोग कहेंगे इनकी आदत, लोग कहेंगे कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोग कहेंगे उसको गलत मोड़ देंगे। मैं इसलिए मैं कोई और कार्यकाल खत्म होने को, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी नया चुनाव होगा, विचारों से कोई ना कोई फिर एक नया अभय मिश्रा पैदा होगा। जो नया चुनाव होगा, 5 साल का कार्यकाल पंचायती राज का बनेगा, ये जो अन्याय है, जो अधिकारों का हनन है, कोई ना कोई अभय मिश्रा जरूर इसकी बागडोर लेगा और ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी और विचारों से मैं उसके साथ रहूँगा। मैं अब चूंकि विरोध करके अपनी छवि नहीं खराब करना चाहता, पर मैं असंतुष्ट हूँ। एक इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद।